हाय व्यूअर्स, आज हम आपसे मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, सेटबैक्स, फेलियर्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जिंदगी जो है वो एक लीनियर नहीं है, एक लाइन की तरह नहीं है। हम आमतौर पर समझते हैं कि वो एक लाइन की तरह है, वो ऐसी नहीं है। जिंदगी एक वेव की फॉर्म में है जो ऊपर जाती है और नीचे आती है। जिस चीज ने नीचे आना है उसने ऊपर आना है, और जिस चीज ने ऊपर आना है उसने फिर नीचे भी जाना है। और ये जिंदगी का एक पैटर्न है जिसको हमें समझना चाहिए। प्रॉब्लम्स का भी यही पैटर्न है। जब प्रॉब्लम आती है तो हमारी जिंदगी का पैटर्न नीचे की तरफ जा रहा होता है, और इसी तरह वो अगर कुछ अरसे के बाद उसने ऊपर आना ही होता है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए कुछ एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, और वो ये है कि आप मसले को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, समझें कि मसला है क्या, फिर उसके ऑप्शंस को डिस्कस जहन में सोचें कि उसके सलूशन क्या हो सकता है और उसके क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, और उन ऑप्शंस को ए बी सी देखने के बाद उसके ऊपर एक्शन करें। कभी कभी वो एक्शन कामयाब नहीं होता और उसका रिजल्ट वो नहीं आता जो उस एक्शन के बारे में आपने सोचा होता है। तो आप अपना एक्शन का डायरेक्शन को बदल लें और उसको भी ट्राई करें, और इस तरह ट्राई करते रहें। यह हो नहीं सकता कि आपका मसला हल ना हो। दुनिया में अल्लाह ताला ने जब मसाइल और मुश्किलात और प्रॉब्लम्स को बनाया तो साथ साथ उसका सलूशन भी बनाया है, उसका हल भी इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, और हम उसको पा सकते हैं और हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपको बहुत परसिस्टेंट होना चाहिए, आपको एक साबित कदमी के साथ आप उसके ऊपर आपको काम करना होता है। और ये जो तीन एस्पेक्ट्स मैंने बताए कि फौरी तौर के ऊपर आप सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें कि ये मसला है, इसकी सोल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल, और उसके बाद उसको किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, और एक्शन भी एक एक्शन नहीं, बार बार उन एक्शन को चेंज कर सकते हैं। मसाइल के तीन पीज होते हैं, प्रॉब्लम के कहते हैं कि थ्री पीज ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स के तीन पीज हैं। पहला पी है कि प्रॉब्लम जो है वो पर्सनल नहीं होती, वो जाती नहीं होती, वो मेरी अपनी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो एक बाहर मुझसे है। नंबर टू, प्रॉब्लम जो है वो परवेसिव नहीं होती, वो इतनी वसी नहीं होती कि वो आपके और हिस्सों के ऊपर असरअंदाज हो सके। हम समझते हैं कि एक जो प्रॉब्लम है वो आपके तमाम मसाइल आपकी जिंदगी के हिस्सों के ऊपर असरअंदाज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो एक अलहदा प्रॉब्लम होती है, और उसको अलहदा ही समझना चाहिए, ये नहीं कि वो आपकी तमाम जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो है कि प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट नहीं होती, यानी कि वो मुस्तकिल नहीं होती। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जिंदगी जो है वो लीनियर नहीं है, वो एक वेव की फॉर्म में है। दुनिया में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने मसाइल फेस किए हैं, और फेस करने के बाद उन्होंने जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की कुव्वत उनको मिली, और उन्होंने जिंदगी के अंदर सक्सेस हासिल की, कामयाबी हासिल की। बहुत से एग्जांपल्स हैं, मैं इतनी एग्जांपल्स दूंगा तो ये व्लॉग खत्म हो जाए, इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन एक दो मैं एग्जांपल्स आपको जरूर देना चाहूंगा। इब्राहिम लिंकन जो है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, इतना बड़ा नाम है उसका, उसने 8 दफा वो इलेक्शन में जो है वो हारा, 2 दफा उसका बिजनेस है कंप्लीटली फेल हो गया, वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज हो गया, लेकिन उसने आखिर हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा, और वो आखिरकार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया। इसी तरीके से थॉमस अल्वा एडिसन जो है, जिन्होंने बल्ब के मौजूद जो है, उन्होंने 1000 दफा अटेम्प्ट की, कोशिश की बल्ब बनाने की, लेकिन फेल हो गए, नहीं बना सके, लेकिन 1000 के बनने के बाद उनको बल्ब जो है बना, वो कामयाब हुए, उन्होंने बल्ब बना लिया। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा सुल्तान मोहम्मद फातेह का। सुल्तान मोहम्मद फातेह जो
जो है उसने इस्तांबुल को फतह किया था, और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इससे पहले 23 दफा इस्तांबुल फतह करने की कोशिश हुई और वो फेल हो गई और कोई उसको फतह नहीं कर सका। जब इस सुल्तान मोहम्मद फातेह को भी सब ने कहा, उनके एडवाइजर्स ने कहा, उसके अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्लीज आप ये ना करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगा, और उन्होंने कोशिश की। उस दौरान जब उन्होंने हमला किया कई दफा वो फेल हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, अपने उसने एक्शन जो है वो चेंज करता रहा, और उस एक्शन के बाद उसका रिजल्ट बदलता रहा, और आखिरकार उसने उसको एक ऐसा आइडिया आया और उसने अपने नए आइडिया के जरिए जो है इस्तांबुल को फतह कर लिया। उसने जो है वो शिप्स को बास्फोरस में एक मुख्तलिफ तरीके से, वहां से डायरेक्टली नहीं आ सकती थी, उसने लैंड के जरिए उनको ले आया और उनको वहां पर और उसको जीत जो है कामयाबी नसीब हुई। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। डेमोस्थनीज एक ऐसा इतना बहुत बड़ा ऑरेटर था जो बहुत अच्छा बोलता था, लेकिन उस बचपन से उसकी लुकनत थी, जबान से बोल नहीं सकता था सही तरीके से। उसने अपने मुंह के अंदर मुख्तलिफ पेबल्स और स्टोन्स रख के और पत्थर रख के वो बोल, और उसने अपने एक्सरसाइजेस की, उसने और दिन रात मेहनत की और कोशिश की, और दुनिया का बेस्ट ऑरेटर माना जाता है डेमोस्थनीज, जिसकी जबान के अंदर लुकनत थी। तो दुनिया में इंसान सब कुछ कर सकता है, दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको इंसान ठीक ना कर सके, जिसको सॉल्व ना कर सके। सिर्फ और सिर्फ हमें साबित कदम रहना चाहता है, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। दूसरा ये कि हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस के ऊपर हमें जाना चाहिए, और उन ऑप्शंस के बाद हमें एक्शन करना चाहिए। उसके ऊपर एक्शन इंतहाई लाजमी है। जब एक्शन नहीं करेंगे तो आप कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। एक्शन हो सकता है आपका पॉसिबल ना हो, लेकिन आप उस एक्शन की डायरेक्शन को चेंज करें, उसकी स्ट्रेटजी को चेंज करें, और इंशाल्लाह ताला का अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग सुनने का। थैंक यू वेरी मच।